यहाँ पे लाइसेंस फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे आप ले सकते हो? यहाँ पे एक्चुअली ड्राइवर लाइसेंस एक्वायर करने का प्रोसेस क्या है, इन्होंने इन्होंने ग्रेजुएशन जैसे सिस्टम बना के रखा है। 3 लेवल्स होते हैं उसमें। फर्स्ट G1 होता है जो थियोरेटिकल होता है, फिर G2 होता है जो प्रैक्टिकल होता है, और GB मतलब एडवांस लेवल का होता है, वो भी प्रैक्टिकल टेस्ट ही होता है। लाइक इट्स वेरी अनलाइक कि जैसे इंडिया में हम लेते हैं ना ड्राइविंग लाइसेंस, एक टेस्ट देते हैं कंप्यूटर पर बैठ के और वो एक लाइसेंस मिल जाता है, उसमें हम कम्प्लीटली लाइट मोटर व्हीकल चला सकते हैं। यहाँ पे आपको एक प्रॉपर स्टडी करना पड़ेगा टू गेन द G1 लाइसेंस। व्हाट वी डिड वाज, हम लोगों ने एक G1 जीनियस बोल के एक ऐप था, वी डाउनलोडेड दैट एंड वहाँ पे यू कैन गिव टेस्ट एंड ऑल। तो आप सब जितने टेस्ट सारे कंप्लीट कर लोगे, उसमें आपको बेसिकली सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रिगार्डिंग द साइंस, द रूल्स दैट आर हियर और स्पीड लिमिट एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड देयर। अगर आपको G1 लाइसेंस क्रैक करना है टू पास द टेस्ट, अगर आप वो ऐप में पूरा करके जाओगे, डेफिनेटली इट्स गोना हेल्प यू एंड आई लिंक दैट सेम इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट आउट। वी गेव आर फर्स्ट G1 टेस्ट हियर टुगेदर इन वन गो, वी क्लियर्ड इट ऑल्सो। या मेरा एक क्वेश्चन गलत था उसमें, एंड सेम आई थिंक फॉर यू टू, एक एक दोनों का क्वेश्चन एक गलत एक था। रॉन्ग था। बट इट्स नॉट दैट टफ जितना हाइप लोग बना देते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, हाउ विल यू रिमेम्बर एंड ऑल। ज़्यादा कुछ नहीं, यू नीड एटलीस्ट 1 वीक टू प्रिपेयर, आई थिंक सो, बिकॉज वी टुक द सेम टाइम। इट उतना डजेंट बहुत नीड 1 वीक, या बट बट हमने लाइक पर डे आधे घंटे ही देखते थे, इसीलिए 1 वीक लग गया था हाँ, कंप्लीट करने में बिकॉज वो आई जस्ट ऐप। थिंक कि आपको थोड़ा मेमोराइज करने में थोड़ा टाइम चाहिए, बिकॉज इसलिए मैं 1 हफ्ता बोल रही हूँ। यू कैन ऑल्सो गिव, शायद 2 दिन में भी आप दे सकते हो, एनी थिंग दैट वर्क फॉर यू। तो बस उसके बाद यू जस्ट गेट योर G1 लाइसेंस, यू हैव योर लाइसेंस बट यू आर नॉट एलिजिबल टू ड्राइव अ कार और एनी व्हीकल एज सच। तो उसके लिए यू नीड द नेक्स्ट लाइसेंस विच इज़ G2, तो दैट विच ही हैज़ ऑलरेडी नाउ। तो G1 देने के बाद क्या होता है, आपको वही लाइसेंस नंबर यूज़ करके आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है G2 के लिए। G2 एक प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ी मतलब सीखना पड़ता है यहाँ के इंस्ट्रक्टर से। यहाँ पे सर्टिफाइड ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, उनके साथ गाड़ी में बैठ के आपको वो सारे प्रैक्टिकल मॉक टेस्ट टाइप देने पड़ते हैं। मैंने 2-3 सेशंस ले लिए थे, उसके बाद मतलब G2 लाइसेंस के लिए अपेयर कर गया था। और अब इतना इंटेंस नहीं होता, 15 मिनट्स का एग्ज़ाम होता है, उसमें जो अथॉरिटी मिनिस्ट्री है उसका इंस्ट्रक्टर बैठता है आपके साथ, वो आपको आपके सारे ड्राइविंग स्किल्स विल्स टेस्ट करता है आपके, आप साइंस को अच्छे से फॉलो कर रहे हो कि नहीं, शोल्डर चेक कर रहे हो कि नहीं, आप सारे रूल्स फॉलो कर रहे हो कि नहीं, जितने भी मतलब आप थ्योरी में पढ़ के आए हो, राइट। और यहाँ पे एक वो सो बहुत ही लाइक क्या, पैरेलल पार्किंग, वो भी शायद टेस्ट करते हैं मेरी ना। एक्चुअली उन्होंने पैरेलल पार्किंग कराई नहीं थी, 3 पॉइंट पार्किंग कराई थी और एक डाउन हिल अपहिल वाली पार्किंग थी। हाँ, रिवर्स और फ्रंट पार्किंग करा दी थी उन्होंने, और नॉर्मली जो लेफ्ट राइट कराना होता है उनको वो कराया था। इसमें एलिजिबिलिटी क्या होगी कि अब मैं ड्राइव कर सकता हूँ, लाइक पूरे नेशन वाइड कैनेडा में ड्राइव कर सकता हूँ। हाईवेज़ पे कुछ कुछ सीरीज़ है, लाइक 4 सीरीज़ में मैं ड्राइव कर सकता हूँ, बट जो हाईवेज़ हैं जो US तक जाते हैं, आई थिंक 1200 सीरीज़ और समथिंग, उसमें एलिजिबल नहीं हो ड्राइव करने के लिए। उस पर सिर्फ वो जो G होल्डर होता है वही ड्राइव कर सकता है। अभी फिलहाल द थिंग इज़ दैट वी डोंट ओन अ कार राइट नाउ। तो अभी अगर हम लोग, इफ़ यू वॉन्ट टू गो समवेयर फार, तो ऑफ कोर्स वी कैन रेंट अ कार राइट नाउ अगर कोई अर्जेंसी एंड ऑल है तो। बट या इन फ्यूचर गोइंग फॉरवर्ड वी डू प्लान टू गेट अ कार। स्पीकिंग ऑफ माई सेल्फ, आई हैव जीरो नॉलेज ऑफ ड्राइविंग लाइक अ 4-व्हीलर। आई बैक इन इंडिया मैं सिर्फ एक एक्टिवा चलाया करती थी, दैट्स ऑल। बट यहाँ पे एवरी टाइम इट्स बैक ऑफ माई माइंड कि आप कैसे सीखेंगे एंड ऑल, इट्स सो मच ऑफ रूल्स एंड ऑल, इतना कुछ याद रखना है एंड दैट टू यहाँ पे लोग इतने लाइक स्पीड में भी कार चलाते हैं, दैट आई अंडरस्टैंड नहीं, बिकॉज एक्चुअली जो रूल्स हैं यहाँ पे, वो रूल्स ही स्ट्रीट्स को सेफ रखते हैं। मतलब यहाँ पे सब लोग रूल फॉलो करते हैं, तो डेट मेक्स ड्राइविंग वेरी सेफ। स्पीड में क्यों चला पाते हैं, दैट्स अगेन कम टू द सेम पॉइंट, पीपल आर फॉलोइंग द रूल्स और
वो एक हर स्ट्रीट की लिमिट होती है, आप कितना जा सकते हो, yes, तो उसके अकॉर्डिंगली चलाते हैं. हाँ, आफ्टर नोइंग ऑल दिस, बिकॉज़ यहाँ पे सब रूल फॉलो कर रहे हैं, तो रेयरली सी कि जे क्रॉसिंग कोई कर रहा है, वेरी रेयरली जे वॉकिंग. हाँ, वेरी रेयरली वी सी. लाइक इंडिया में कहीं से भी हम रोड क्रॉस कर जाते हैं, वैसा नहीं है यहाँ पे. वो जीब्रा क्रॉसिंग जो होती है, वो भी इंटरसेक्शंस में होती है, वहीं पे ही लोग क्रॉस करते हैं. हम लोगों को भी अब आदत हो गई है कि वी ऑल्सो डोंट जस्ट क्रॉस द रोड फ्रॉम एनीवेयर इन द मिडिल. हम लोग भी एक प्रॉपर जीब्रा क्रॉसिंग ढूंढते हैं. दैट्स अ गुड पार्ट एक्चुअली आई बिलीव, बिकॉज अभी राहुल हैज हिज G2 लाइसेंस. अभी मैं भी थोड़े टाइम बाद आई विल ऑल्सो स्टार्ट taking my test of driving and I will also get my G2 license one day. अभी क्या करना था? जी के लिए मेरे पास टाइम है अभी. लाइक जो वैलिडिटी होती है लाइसेंस की, आई थिंक 5 साल के, 5 साल के बीच में कभी भी दे सकता हूँ. अभी ड्राइविंग के लिए एज सच कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जस्ट मैंने जैसे बताया ना, कोई कोई हाईवे सीरीज है जिसमें चला नहीं सकता. ओके, सो इज इट लाइक मैंडेटरी कि अगर किसी के पास G2 है तो उसको जी लेना ही है? इट इज़ मैंडेटरी, बट दे हैव क्राइटेरिया. लाइक 5 ईयर्स जो होती है एक्सपायरी डेट, उसके बीच में आपको जी लेना होता है. तो अगर कोई नहीं लेना चाहता, नहीं लेता, तो फिर आपको रीअपेयर करना पड़ेगा पूरा ग्रेजुएशन फ्रॉम G1. G1, हाँ. तो लोग ले लेते हैं. एक्चुअली यहाँ का जो जी लाइसेंस है, फुल लाइसेंस, उसके बेनिफिट्स बहुत हैं. ये जी लाइसेंस कनाडा में भी, कोई भी प्रोविंस में जाओ, आप जी लाइसेंस अगर दोगे तो वो कम्प्लीटली वही सेम जो एडवांस लेवल का लाइसेंस दे देगा. इवन सेम एज US में भी, क्योंकि सिस्टम सेम है, तो US में भी वही फॉलो होता है. यहाँ के जो जी होल्डर होते हैं, US में डायरेक्टली लाइसेंस ले सकते हैं. और इवन अगर आप बाहर भी जैसे जा रहे हो ना, यूरोप में कहीं कहीं पे, सेम अगर सिस्टम, ड्राइविंग सिस्टम फॉलो होता है, तो आप यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस दिखा के आराम से ड्राइव कर सकते हो. सो थैंक यू फॉर योर इनपुट्स.